पितृपक्ष यानी श्राद्ध 2 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं और 17 सितंबर तक रहेंगे। आप अपने कुल अथवा परिवार की मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध आदि कर्म करें, यह कहना है पंडित विकास गुरु का। पितृ और कोई नहीं, यह आपके परिवार कुल से जुड़े हुए वह सदस्य हैं जिनका वंश आप चला रहे हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में 49 प्रकार की वायु में सूक्ष्म रूप से व्याप्त उनकी दिव्य चेतना आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होती है और उन्नति के मार्ग में सहायक भी होती है, लेकिन आपसे आशा भी रखती है कि आप उनके लिए उनके नाम पर कुछ ना कुछ अवश्य करें। चतुर्दशी का श्राद्ध अवश्य रूप से करें। वह जिनको अपने पितृ की किसी भी तिथि का ध्यान नहीं है, वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन अवश्य रूप से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जो भी यथासंभव है अवश्य करें। ओम देवताभ्य पितरस्य महायोगिभ्य नमः स्वाहा स्वाद्येन नित्यमेव नमो नमः। पितृभ्यो नमो नमः। आज से श्राद्ध आरंभ हो गए हैं पूर्णिमा से, और श्रद्धा जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही आप पितरों को अंजलि प्रदान करोगे, वही उनको प्राप्त होती है। और जो पंचग्रासी निकाली जाती है, ये पंचग्रासी क्यों निकाली जाती है काफ़ी लोग पूछते हैं। पंचग्रासी का मतलब यह है कि 84 लाख योनि बताई गई है। 84 लाख योनियों में आपके पितृ देवता कौन सी योनि में है वह मालूम नहीं चल सकता है। इसलिए पंचग्रासी निकालने से ही, पंचग्रासी से ही अपन उन पितरों को प्राप्त हो जाता है। सर्वप्रथम अपन कौवे को देते हैं। कौवे में, पक्षियों में जो भी जीव जंतु है तो वह उन्हें प्राप्त होते हैं, इसलिए कौवा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौवे के बाद दूसरा गौ माता का विधान बताया है, कहते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गौ माता को भोजन कराया जाता है। गौ माता के बाद जानवर जो कुत्ता होता है, स्वन बोला जाता है, उस कुत्ते को भी खाना निकाला जाता है। कुत्ते के बाद जीव जंतु जो छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि है उनके लिए भी निकाला जाता है, और कोई गरीब पुरुष को भी भोजन कराया जाता है। इस तरह से 5 जनों का पंचग्रासी निकाला जाता है, उसके तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। भोजन के अंदर उड़द की जो भी चीज़ें बनती है वो उसका भोग लगाना चाहिए, त्योरी की जो सब्जी होती है उसका भोग लगाना चाहिए, चमला फली होती है सफ़ेद उसका भोग लगाना चाहिए, सब्जी बनानी चाहिए, काचरे इत्यादि का सब्जी में भोग लगाना चाहिए। इससे पितृ बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते हैं। जिनको तिथियां मालूम नहीं रहती वो किस तरीके से पूजा करते हैं, क्या करते? जिनको तिथियां मालूम नहीं होती है उनको अमावस्या के दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन करने से उनके जितने भी पितृ हैं उनको सबको प्राप्त होती है, 7 पीढ़ी को भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए अमावस्या के दिन कर लेना सर्वश्रेष्ठ है। खीर का क्या महत्व रहता है? खीर का इसलिए बताया, ओम पय पृथिव्याम पय ओ खदीकु पयस्पति पति सह संतु मयम। पय एक दूध है और दूध का भोग लगा, कहते हैं ना दूधो नाओ पूतो फलो, इसलिए ये दूध का विधान दिया है, इसलिए खीर का भोग अर्पित किया जाता है। 16 दिन के होते हैं ये, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं साहब। तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जिस दिन श्राद्ध होता है? श्राद्ध होते हैं जिस दिन आपको श्रद्धा पूर्वक पूरे घर के अंदर स्नान, गंगा जल, गौमूत्र का छींटा लगाना चाहिए, उसके बाद रसोई के अंदर साफ सफाई शुद्धता से करना चाहिए साफ सफाई, उसके बाद पितरों का भोग मनाना चाहिए। पितरों का जब भोग मनाए तो खुले बाल करके लेडीजों को भोजन मनाना चाहिए, खुले बाल रख के जो भोजन होता है तो वो पितरों के ये अच्छा माना जाता है। पहली चीज़ तो माता बहनों को ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, किस तरीके से क्या करना चाहिए? भोजन बन गया उसके बाद में क्या करते हैं? भोजन बनने के बाद जो अपन के पीपल के पत्ते होते हैं उनके ऊपर वो 2-2 पूड़ी रख के और जो प्रसादी भोग होता है वो अर्पित करना चाहिए, और अपनी गोत्र बोलना चाहिए। गोत्र बोलने के बाद अपना नाम बोल के कि भाई मेरे घर के जो भी पितर देवता है
छोट जिनका आप नाम नहीं जानते हो तो ये बोलना चाहिए कि जो भी मेरे कुल के पितृ देवता है, छोटे बड़े भूले चूके मेरे कुल के जो भी पितृ है, वे ये भोजन ग्रहण करे। ऐसा करके जल को लेकर उसके ऊपर गोल घुमा के अंगूठे के बल से छोड़ देवे एक साइड में। उसके बाद कोवंस को इनको भोजन प्रदान।